आज के वीडियो में एक बहुत ही शानदार कहानी आप लोगों के लिए। एक बच्चा 11वीं क्लास में होता है, एक दिन अपने पापा के पास जाता है। पापा 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 मुझे लैपटॉप चाहिए। पापा ने कहा बेटा लैपटॉप क्यों चाहिए, अभी तुझे 11वीं क्लास में तुझे कौन सा ऑफिस का काम करना है। पापा नहीं, आजकल बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से होती है, बहुत सारी क्लासेस इंटरनेट से होती है, जूम से होती है, यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पापा को बात समझ में आई, बेटे ने ढंग से समझाई। लेकिन पापा करीब 60,000 रुपये कमाते थे। पापा ने अपना बैंक बैलेंस देखा, पापा ने अपने बैंक में इस समय कितने पैसे हैं वो देखे, अपने सारे लाइबिलिटीज़ देखी। तीन तीन बच्चे हैं, तीनों की पढ़ाई है, एक बच्चा 7वीं कक्षा में, एक बच्चा 3री कक्षा में है और ये बड़ा बच्चा 11वीं कक्षा में। तीनों बच्चों के खर्चे देखे, घर के खर्चे देखे और भी लाइबिलिटीज़ और भी सारे लोन्स वगैरह सब देखे और बड़े मायूस होते हुए बच्चे को कहा बच्चा बड़ा मुश्किल है लैपटॉप लेना। बच्चे ने कहा पापा नहीं मेरे को लैपटॉप तो चाहिए। बड़े दुविधा में पड़ गए। बच्चा थोड़ा सा दुखी भी हुआ कि यार पापा अब लैपटॉप नहीं दिला पाएंगे, क्या होगा। अगले दिन सुबह जब पापा उठे तो पापा ने बच्चे को अपने पास बुलाया, बोला बेटा देख इमीडिएटली लैपटॉप लेना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप और मैं मिलके और हमारे पूरा परिवार मिलके थोड़े से चीज़ों पे ध्यान दे तो शायद हम अगले 3 से 6 महीने में आपका लैपटॉप ले सकते हैं। बेटा बड़ा एक्साइटेड हो गया, बोलिए क्या करना है। बेटा जो हर महीने आपको जो पॉकेट मनी मिलती है 200-300 रुपए, अब उसे बचाना पड़ेगा। बेटा पहले दुखी हुआ लेकिन बेटा बड़ा एक्साइटेड हो गया कि एक मिनट के लिए हाँ यार लैपटॉप मिलेगा। बेटे ने कहा पापा मैं कोशिश करता हूँ, मैं बहुत सारा बचाऊँगा। पापा ने मम्मी को बुलाया, बोले हम जो सब्जियां खा रहे हैं आज 2 सब्जी खा रहे हैं रोज की, 1 सब्जी हमें बचानी पड़ेगी। मम्मी भी थोड़ी सी सक पकाई, अरे हम तो पहले ही बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन मम्मी ने भी कहा ठीक है हम थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे। पापा ने भी एक और पहल की कि 3 किलोमीटर पापा का ऑफिस था, 3 किलोमीटर पापा का जो ऑफिस था पापा ने पैदल जाना शुरू किया, क्योंकि 3 किलोमीटर रोज जाने और आने के पेट्रोल का जो खर्चा था वो करीब 50-60 रुपए रोज का हो जाता था। दोस्तों ऐसे छोटे 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 एक्सपेंसेस को कट करते हुए पूरी फैमिली सरप्राइज हो गई। 3 महीने के अंदर उनके पास 11-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो गए। 3 महीने और उन्होंने जोड़ लगाया, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा सेव हो गए और 25,000 रुपये एक्स्ट्रा सेव हो के बच्चे के लिए आ गया लैपटॉप। अब यहाँ पे दोस्तों कहानी का मर्म क्या है? कहानी का मर्म यह है कि हर कोई बिजनेसमैन नहीं हो पाएगा, हर कोई इन्वेस्टर नहीं बन पाएगा, हर कोई करोड़ों रुपये कमा नहीं पाएगा। मजबूरियाँ कहीं ना कहीं आपको जॉब में रखेगी, मजबूरियाँ आपको कहीं ना कहीं फिक्स सैलरी पर काम करने में मजबूर करेगी। और फिक्स सैलरी पर अगर आप काम करते हुए अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका फाइंड अ रीजन टू सेव। इस पूरी कहानी में पूरे परिवार के पास एक रीजन था पैसा सेव करने का। पिताजी बहुत ही समझदार थे, उनको पता था बच्चों की एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, उनको लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप चाहिए। बट बच्चा भी समझदार था कि उसको पता था पिताजी इमीडिएट नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते, तो थोड़ा बच्चे ने कुर्बानी दी, थोड़ा माताजी ने कुर्बानी दी, थोड़ा पिताजी ने कुर्बानी दी और तीनों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे कि 25,000 रुपए बच गए। दूसरा दोस्तों बी एब्सोल्युटली सिंसियर, बी एब्सोल्युटली सीरियस अबाउट दिस गेम। ऑलराइट, एक तो कोई बड़ा रीजन ढूंढे और दूसरा सीरियसली उस रीजन के साथ एक्शन ले। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो प्लान करते हैं। थोड़े टाइम पहले मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, एक 20-22 साल की लड़की ने डिसाइड किया मैं 30 साल की उम्र तक रिटायर हो जाऊंगी। उसने 30 साल की उम्र के बाद अगले 80 साल तक जीने के लिए कितना पैसा उसको चाहिए, उतने पैसे का कैलकुलेशन शुरू से किया। उसने कहा मैं कितने एक्सपेंसेस कट कर सकती हूं, कितना पैसा बचा सकती हूं। धीरे धीरे उसने सारे एक्सपेंसेस कट किए, वो साइकिल में घूमने लगी, उसने अपनी गाड़ी वाड़ी बेच दी, उसने जो पैसा कमाया उसको सेविंग में रखते हुए FD वगैरह करवा के उसने इतना पैसा जोड़ लिया 30 साल की उम्र तक कि उसने उतने पैसे से FD करके वो लाइफ टाइम के लिए 30 की उम्र में रिटायर हो गई दोस्तों। और अब वो पूरी दुनिया साइकिल पे घूमती है आराम से। दोस्तों आज उसकी लाइफ उसके हिसाब से चल रही है। ये ब्लॉग मेरे टीचर नित्य शांति ने मुझसे बहुत पहले शेयर किया था, इसी के ऊपर एक वीडियो होगा जो कि आप देख सकते हैं मिनिमलिज्म के ऊपर। तो गो हेड एंड सर्च फॉर मिनिमलाइजेशन या मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म यानी कम से कम में काम चलाने की आदत। तीसरा है दोस्तों स्टार्ट विद 1% सेविंग। आप में से कई लोग कहेंगे सर इस समय हम बिल्कुल सेव नहीं कर सकते, इस समय बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, आपको पॉकेट मनी मिल रही है 300 रुपए, वहां से 1% से सेव कीजिए। 1% से 100 रुपए से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों 2017-18 में जब मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे तब मैं मेरे गुरु के पास गया। उन्होंने कहा ना तो तू डोनेट करता है ना तू सेव करता है। मैंने कहा सर मैं डोनेट कहां से करूं। बोलते हैं जितना कर सकता है 100 रुपए से शुरू कर। डोंट टेल मी कि तू 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसमें से 100 रुपए डोनेट नहीं कर सकता। सर मेरे ऊपर बहुत सारा लोन है। तो क्या हुआ 100 रुपए से शुरू कर। दोस्तों मुझे आज भी याद है मैंने डोनेट करना 100 रुपए से शुरू किया और आज की डेट में अच्छा खासा डोनेट हो जाता है। और आज की डेट में
आई एम एबल टू कंटिन्यू इट। उन्होंने मुझे कहा तू देना नहीं जानता, तू देता नहीं है इसलिए नहीं होता। मैंने 1% से नहीं 100 रुपये से शुरू किया। आप भी 100 रुपये से शुरू कीजिए या 1% अपनी इनकम से सेविंग शुरू कीजिए। आप सैलरी में रहते रहते भी अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, अच्छा खासा पैसा बचा लेंगे। अगला स्टेप दोस्तों है स्किप अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कई सारे हमारे आज की डेट में खर्चे जो हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। दूसरे पिज्ज़ा खा रहे हैं तो हमें भी पिज्ज़ा खाना है, दूसरे बर्गर खा रहे हैं हमें भी बर्गर खाना है। ना तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, बस एक फैशन के लिए अच्छा है। दूसरे बाहर खाना खा रहे हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। दूसरे लोग बर्थडे पे बहुत एक्सपेंसिव केक ला रहे हैं और बड़ा केक ला रहे हैं तो हमें भी बड़ा केक लाना है। ये सारे इमोशनल खर्चे हैं जो कि हम डेफिनेटली कट डाउन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर हम इन खर्चों को कट डाउन करेंगे, दो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग हो सकता है कहें तो वो ही लोग कहेंगे जो बेवकूफ होंगे। जो समझदार आदमी है वो कभी आपको कुछ नहीं कहेगा इन चीज़ों के लिए। उसके बाद दोस्तों जो छोटी छोटी सेविंग बचती है उसे अकाउंट में डालें, और उसे अकाउंट में डालने के बाद एक डिसिप्लिन को बरकरार रखें, वो है जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इस पैसे को कभी टच ना करें। ये छोटी छोटी चीजें आप करें, मैं वादा करता हूं सैलरी में भी, नौकरी करते हुए भी, फिक्स्ड इनकम में भी आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे। और जब आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और एक और जबरदस्त आपके लिए न्यूज, क्या आप अपना 20,000 सेव करना चाहते हैं? अगर हाँ दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक है मेरी नई किताब का जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। दोस्तों आपको तो पता ही होगा मेरा 28 दिन का ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके प्रोग्राम चलता है। इसके 5 सीजन हो चुके हैं, 6th सीजन आने वाला है अगले साल जनवरी में। 28 जनवरी से 24 फरवरी 2023 तक ये चलेगा। बहुत ही पावरफुल ये 28 दिन का प्रोग्राम है। लेकिन ये 28 दिन का प्रोग्राम 1.5-1.5 घंटे का रोज होता है, कई बार लोग लाइव नहीं देख सकते। तो इसमें जो भी मैं करवा रहा हूँ वो सभी चीज़ें मैंने इस किताब में डाल दी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में। ये किताब जल्द ही लॉन्च होने वाली है, अभी ये प्री ऑर्डर स्टेज में है, amazon.com पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाइए, इस बुक को अभी ऑर्डर कर दीजिए। और जब आप इस बुक को ऑर्डर करेंगे उसके बाद एक ईमेल मेरी टीम को भेज दीजिए या SMS मेरी टीम को भेज दीजिए इस नंबर पे, या फ़ोन कर दीजिए और ये प्रूफ कि आपने बुक ऑर्डर की है ये भेज दीजिए। एंड आई विल गिव यू माय वेरी वेरी प्रीमियम कोर्स हाउ टू राइट अ बुक। आप भी ऑथर बन सकते हैं। हाउ टू राइट अ बुक का 20,000 रुपये का कोर्स मैं आपको फ्री दूंगा। सो इसी क्षण आप 20,000 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू सेव दैट 20,000 रुपीज एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रैंड ऑफर। प्री ऑर्डर द बुक राइट दिस मोमेंट। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। Happy Diwali in advance. Thank you.